अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में मामला अमेरिका के लेविस्टीन से सामने आया था, अब एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। लेविस्टीन में गोलीबारी में 18 लोग मारे गए जबकि 13 घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की माने तो पुलिस फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल पीड़ितों की पहचान की कोशिश भी की जा रही है। अमेरिका के लेविस्टीन शहर में अधिकारियों ने बताया कि अभी एक संदिग्ध फरार है। मेन पब्लिक सेफ्टी कमिश्नर माइक ने गुरुवार को कहा कि अधिकारी 40 साल के रॉबर्ट कॉर्ड का पता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दो अमेरिकी अधिकारियों और एक पूर्व उच्च अफसर ने बताया कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या संदिग्ध किसी खास व्यक्ति को निशाना बना रहा था। पुलिस ने कहा कि लेविस्टीन के एक के बारे में 6 पुरुष और एक महिला की बंदूक की गोली से मौत हो गई। वहीं लगभग 4 मील दूर स्कीमे जीज बार में और ग्रिल के अंदर 7 पुरुषों और बार के और बाहर के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि फायरिंग का शिकार हुए 3 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।